Hey guys, good evening and welcome back to the channel. आज को मैं पहली बार पर्सनल ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ. उसका पीछे भी कुछ एक रीज़न है. मैं लगभग आज को लगभग सात दिन हो गया मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं पर बाहर था. तो इसीलिए जस्ट आज ही को लौटा हूँ. इसीलिए शायद आप बीच में व्लॉग भी देख नहीं पाए होंगे. तो आज को जब भी मैं लौटा हूँ, गाड़ी इतना दिन ओपन पार्किंग में ही पड़ा हुआ था. गाड़ी का हाल एक बार दिखाते हैं. ये देखिए गाड़ी का हालत कुछ इस तरह से. रुक जाइए, मैं एक बार लाइट जला के दिखाता हूँ. थोड़ा सा अंधेरा है. देखो गाड़ी का हालत सामने से दिखाता हूँ आपको. देखो ये इतना दिन का जो धूल मिट्टी है इस तरह से है. गाड़ी का छत के हाल देखो, पूरा गाड़ी बर्बाद हुआ पड़ा हुआ है. अब देखो गाड़ी का हालत क्या हो गया. सामने का हालत देखो, देख सकते हो. स्क्रीन का हालत देखो. मेरा गाड़ी जो हमेशा इतना साफ रखते हैं, उस गाड़ी का हालत देखो क्या हो गया है अभी. पर दोस्तों क्या करें, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. कुछ नहीं कर सकते हैं. तो इसी हालत में गाड़ी को अभी लेके चलते हैं घर, फिर उसके कल से सेवा किया जाएगा. हाँ भाई, तुम भी बंद हो जाओ, एक सेकंड रुक जाओ यार. हाँ, फिर से मैं जला लिया गाड़ी का लाइट. तो जो जैसे मैं बता रहा था, तो कुछ नहीं कर सकते हैं अभी. ये तो पार्ट ऑफ है. गाड़ी बाहर ओपन पार्किंग में पड़ा रहेगा तो ऐसा ही हालत होगा. तो चलिए अभी सीधा निकल के चलते हैं घर. अभी तो रात के बज रहे हैं लगभग 7:30. तो घर जाने में 1.5 घंटा लग ही जाएगा. आज को मेरे को नहीं पता आज को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा गाड़ी क्लीन. तो फिर कैमरा में पता चल रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं पता. कांच लेकिन इतना गंदा है ना, रात के टाइम पे गाड़ी चलाना मुश्किल है. तो थोड़ा सा लग रहा है वाइपर चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो देखना मुश्किल होगा. क्योंकि सामने से लाइट आएगा ना, तो वो पूरा मतलब ये हो जाएगा, तो स्प्रेड हो जाएगा. तो गाड़ी एक बार साफ़ कर लेते हैं, शीशा वाइपर एक बार चला लेते हैं. ब्रिज़ा का एक ख़ास बात है, मैं जब सिटी में रहता हूँ, मैं कभी भी हेडलाइट ऑन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. क्योंकि उसका जो फॉग लाइट एलईडी फॉग लाइट है, वो मोर देन सफिशिएंट होता है मतलब सिटी ड्राइव के लिए. हाईवे में तो अलग बात है, लेकिन अभी जैसे आप देख सकते हो मेरा सामने खाली फॉग लाइट चल रहा है और उसी से काफ़ी ज़्यादा लाइट है. तो हेडलाइट चलाने का ज़रूरत ही नहीं है ब्रिज़ा. हेडफोन भी काफी तेज है, कभी कभार देखता जोर से बजाता है तो सामने वाला बंदा चौंक जाता है, गाली भी देता है. यार चलो थोड़ा सा प्रो ड्राइवर बनते हैं, थोड़ा राइट लेफ्ट करके ऑटो का और दोनों गाड़ी का बीच से निकाल के लेके जाके सामने गाड़ी को खड़ा करते हैं. ये आराम से कट गया. तो लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इसलिए इस तरह का कट में तो बिल्कुल मत कीजिएगा. कल मैं यहाँ से जा रहा था, इसी प्लेस से मैं बाइक पे था और मेरा आगे एक बाइक जा रहा था और ये सामने ना पुलिस ने कुछ बैरिकेड टाइप का करके रखा. ये देखो जहाँ मैं एरो दिखा रहा हूँ, और ये बंदा बाइक से इतना तेज़ गिरा ना, उसमें हाथ भी टूट गया उसका. और वो देखो मेरा राइट हैंड साइड में एक बंदा जा रहा है, जान जाए पर फ़ोन ना जाए. देखो कान पर फ़ोन लगा के बिना हेलमेट का सर ने गाड़ी दौड़ानी है. देखो देखो सर पूरा टेढ़ा है, लेकिन तब पर भी गाड़ी दौड़ाया जा रहा है. कोई डर नहीं है मरने का, सर चला जाए ठीक है, फ़ोन नहीं जाना चाहिए. तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी इस तरह का कोई काम मत कीजिएगा. और ये बंदा का देखो दौड़ देखो उड़ा के लेके जा रहा है. क्या करेंगे, बाइक वाला से बच के चलो भाई, बाइक वाला से बच के चलो.
सो अगर डेली आप एक ही रास्ते में आना जाना लगा रहता है तो आपको पता ही होगा कहाँ पर सिग्नल है, तो गाड़ी को पहले से थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दो, गाड़ी को धीरे धीरे करके रोको। आप जितना गाड़ी धीरे धीरे करके रोकोगे उतना ज़्यादा आपका फ्यूल भी बचेगा। जैसे मेरे को सिग्नल दिखा, मैं एकदम जाके देखो धीरे धीरे करके गाड़ी स्लो डाउन करते रहा और गाड़ी जाके रोका एक गाड़ी के पीछे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए घर और गाड़ी को कर दिए हैं पार्क। बट गाड़ी को देख के यार रोने का मन कर रहा है, 4 दिन में हालत बिगड़ कर रख दिया है गाड़ी का पूरा। उफ, कुछ नहीं कर सकते हैं यार, दुख होता है जब भी देखते हैं ना गाड़ी को इस हालत पे। जस्ट देखो, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल अभी जो मैं कर सकता हूँ वो थोड़ा सा इसको डस्टिंग कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर। फटाफट थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं, डस्टिंग से हालांकि कुछ होगा नहीं तो, तब पर भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पॉट है। गाड़ी का पूरा हालत ख़राब हो गया यार, गाड़ी का पूरा हालत ख़राब हो गया। मैं इसको कैसे ठीक करूँगा मेरे को नहीं पता। आप देख सकते हो क्या और हो के रखा है, देखो पूरा गाड़ी में हालत ख़राब है। डस्टिंग भी करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। गाड़ी यार कभी बाहर छोड़ के मत जाओ, गाड़ी छोड़ के जाओ तो गाड़ी का हालत ख़राब हो जाएगा। और इस हालत पे तो डस्टिंग करना भी सही नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इससे छोटा छोटा जो स्क्रैच हो सकता है तो मैं छोड़ के रख रहा हूँ। इतना बालू और धूल और मिट्टी, अभी ये नहीं होगा यार, जो होगा अब कल ही को होगा। तो डस्टर को रख दिया अंदर, पूरा सामान भरा हुआ है, डिक्की करते हैं बंद और गाड़ी से सामान लेते हैं अपना और चलते हैं घर की तरफ। और लगे हाँ तो इस ब्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं। मेरा पहला ब्लॉग है, मैं कोशिश किया हूँ अपना जो डेली लाइफ है वो थोड़ा सा दिखाने का, और गाड़ी का क्या हालत हो गया पड़ा रखा है 4 दिन में, गाड़ी का हालत क्या होगा वो मैं दिखाने का कोशिश किया। अगर अच्छा लगा तो कहें लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।